नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक काफ़ी ज़बरदस्त अनबॉक्सिंग वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ IQ Z3 की अनबॉक्सिंग। इस फोन को मैंने इसी बिग बिलियन डेज वाली सेल में बाय किया है और मुझे काफ़ी अच्छी डील लगी, क्योंकि इसकी जो प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा कम मुझे मिली है। और उसके बाद ये जो फ़ोन है इकलौता ऐसा 5G स्मार्टफोन है जिसमें कि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लगा हुआ है, आपको 20,000 के अंदर मिलता है, तो मेरे हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा फ़ोन लगा। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं फ़ोन की और देखते हैं क्या क्या चीजें आज के टाइम में आपको मिलती है। शुरू करते हैं वीडियो, से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरह की रोज तगड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। ये जो स्मार्टफोन है ये है 6GB 128GB वेरियंट, और एक्चुअल जो इसकी प्राइसिंग है वो है 22,990 रुपये। यहाँ पर आप देख सकते हो 5G बैंड्स आपको कितने देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तो इसमें दो ही बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, N77 और N78। इन दोनों बैंड्स ही आपको देखने को मिलते हैं। खैर, जहाँ तक उम्मीद है कि जब लॉन्च होगा 5G बैंड इंडिया में 5G नेटवर्क, तो मेरे हिसाब से यही दोनों बैंड्स ऐसे होंगे जो कि नेशन वाइड सपोर्ट करेंगे। और देखते हैं कि आने वाले दिनों में कैसा रहता है 5G जब लॉन्च होता है। खैर, बात करेंगे इस स्मार्टफोन की, तो हमारे पास ये जो इसका बॉक्स है काफ़ी डिफरेंट सा है बाकी के स्मार्टफोन से। अगर आप देखोगे तो इसका जो बॉक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। तो चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सॉरी, मैंने इसके जो स्टिकर को मैंने हटा दिया, अब इसको खोलते हैं। तो सबसे पहले जो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर येलो कलर का ये एक बॉक्स मिलता है, इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले इसको हम खाली कर देते हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर इसका जो चार्जिंग केबल है, आप कह सकते हो टाइप सी वाला जो केबल है, वो देखने को मिलता है। और ये रहा हमारे पास केबल, और यहाँ पर आपको सिम इजेक्टर टूल और पेपर केस वगैरह, पेपर वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि सारी चीज़ें आपको डिटेल में देखने को मिल जाती हैं। तो ये रहा इसका सिम इजेक्टर टूल, इसको भी हम साइड में रख देंगे। और फिर हमारे पास आता है ये केस, और ये जो केस है सिलिकॉन वाला केस है, उतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है ना ही ज़्यादा हार्ड है, एक आप कह सकते हो नॉर्मल केस जो मिलता है सारे स्मार्टफोन्स में वही देखने को मिलता है। और ये रहा हमारा स्मार्टफोन बॉक्स में, इसको भी हम साइड में रखेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें और देखने को मिलती हैं। तो बॉक्स के अंदर और भी डिटेल में आपको देखने को मिलेगा ये जो है इसका चार्जर, और ये चार्जर काफ़ी लंबा है। मैं देखूंगा अगर और भी स्मार्टफोन से, मेरे पास नार्जो सीरीज़ का फ़ोन है जिसमें कि आपको मिलता है 65W का चार्जर, वो थोड़ा सा बल्की है, थोड़ा सा छोटा है लेकिन मोटा फ़ोन है चार्जर, लेकिन ये जो चार्जर है उतना ज़्यादा मतलब भारी नहीं है। 66W का ये चार्जर आपको देखने को मिल रहा है। खैर, चार्जर को भी हम साइड में रखेंगे क्योंकि हमको तो बात करनी है अपने स्मार्टफोन के बारे में। खैर, इस बॉक्स को भी हम बंद करके साइड में रख देते हैं, बाकी अब बात करेंगे अपने फ़ोन को। तो यहाँ पर इसको भी हम अनरैप कर देते हैं, हमने इसको बाहर निकाल लिया है। खैर, जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो काफ़ी अच्छा है। देख सकते हो ये जो स्मार्टफोन है ये काफ़ी हल्का है, वज़न इसका ज़्यादा नहीं है, और जितने भी स्मार्टफोन्स आपको मिलेंगे इससे थोड़े से भारी ही मिलेंगे इतने प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से, जितने भी स्मार्टफोन हैं उनको आप देखोगे तो। खैर, मी 11 लाइट सीरीज़ को अगर आप छोड़ दोगे तो जितने भी स्मार्टफोन मिलेंगे वो लगभग सेम ही आपको वेट में देखने को मिल जाएंगे। इसका वेट उतना ज़्यादा बल्कि नहीं है, ना ही उतना ज़्यादा भारी है। खैर, यहाँ पर अगर मैं बैक पैनल की बात करूँ तो बैक पैनल आपको मिलता है प्लास्टिक का, क्योंकि आप देख सकते हो प्लास्टिक है। और एक यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपको गैप जैसा फील हो रहा है, ये पता नहीं क्यों है। अब ये तो आपको IQ ही बता सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको हल्का गैप फील होता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ खाली है। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है स्पीकर जो कि सिंगल स्पीकर है इस फ़ोन की, यही एक कमी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। खैर, यहाँ पर सिंगल स्पीकर मिल रहा है, टाइप सी पोर्ट मिल रहा है, और 3.5mm वाला ऑडियो जैक भी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको नॉइस कैंसिलेशन वाला माइक देखने को मिल रहा है। राइट साइड में आपको पावर और वॉल्यूम रॉकर्स वगैरह देखने को मिल जा रहे हैं। बाकी यहाँ पर आपको बैक साइड में देखोगे तो आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, काफ़ी बड़े बड़े कैमरा लगाए गए हैं आप देखोगे
तो यहाँ पर जो मेन कैमरा है उसका अपर्चर दिया गया है, साइज़ दिया गया है लेंस का 26 मिलीमीटर। खैर वो चीज़ें बात की हैं, कैमरा भी टेस्ट करेंगे। बाकी जो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन है इस स्मार्टफोन का वो ठीक है, उतना ज़्यादा मैं अच्छा नहीं कहूँगा और ना ही ज़्यादा उतना ख़राब कहूँगा। रीज़न इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो बैक पैनल है वो काफ़ी जल्दी स्क्रैचेस ले लेता है, मतलब इस पर स्क्रैचेस काफ़ी जल्दी आ जा रहे हैं। तो इसकी वजह से मैं इस स्मार्टफोन में आपको मैं कवर ज़रूर यूज़ करना चाहूँगा और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फ़ोन यूज़ करते हो IQ Z3 तो आपको कवर जो मिलता है उसको आप लगा के ही यूज़ करो, तभी स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। आप चाहो तो ये वाला कवर यूज़ कर सकते हो या फिर आप चाहो तो कोई दूसरा भी कवर ख़रीद के लगा सकते हो, जो भी आपका मर्जी हो, लेकिन कवर यूज़ करोगे तो आपको जो बैक पैनल है वो स्क्रैचेस से बचा रहेगा और अच्छा दिखेगा अगर आप कवर यूज़ करते हो तो। खैर फ़ोन को बूट करते हैं और देखते हैं कि इसमें अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। यहाँ पर हमने फ़ोन को बूट कर दिया है, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है इस फ़ोन को टोटली ऑन होने में। ज़्यादा टाइम नहीं लगा फ़ोन को बूट होने में, तो आप देख सकते हो। बाकी की मैं इसको सेट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ें अंदर आपको देखने को मिल रही हैं। ये रहा फ़ोन का फर्स्ट इम्प्रेशन, कैसा लगा आपको, बाकी डिटेल में आपको सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। तो दोस्तों ये रही अनबॉक्सिंग वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। खैर अगर आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दोगे तब तो खुशी और डबल हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि अगली वीडियो जो होने वाली है वो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना पड़ेगा जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।